जी बेटा, पैसों का इंतज़ाम हो गया, पैसे मिल गए हैं। मैं इंशाल्लाह अभी राशन लेके आता हूँ, फिर खाने का इंतज़ाम करते हैं। मैं अभी सामान भी लेके आता हूँ, परेशान ना हो। अभी आता हूँ मेरा बेटा। मेरे पैसे कहाँ गए? ओ बेटा, ये तो पैसे मेरे हैं। एक मिनट। बेटा, मैं मजदूर बंदा हूँ, मजदूरी लेके आ रहा हूँ। मेरे पैसे यहाँ गिर गए, आपने उठा लिए। मेरे बच्चों का राशन नहीं है, मैंने सामान लेके जाना है, मेरे बच्चे भूखे हैं, पैसे मेरे हैं। भाजी, ये आपके पैसे कहाँ से? ये मेरे अपने हैं, आप कमर में टांगे और आप झूठ बोल रहे हैं कि मेरे हैं। बेटा, मैं गरीब सा बंदा हूँ, पूरा महीना एक बंदे की मजदूरी की है, मजदूरी लेके अभी आ रहा हूँ। मैंने बच्चों को खाना खिलाने, मेरे बच्चे भूखे हैं और पैसे अभी मेरे यहाँ से गिर गए हैं। आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, बच्चों का खाना लेके जाना है, मेरे पैसे वापस कर दे, पैसे वापस कर दें, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता। नहीं, मेरे अपने, आप जाओ, चलो ना, अब जाओ, ये मेरे अपने हैं। भाजी, खैर तो है, क्या हुआ? खैर तो है बेटा, मैं गरीब सा बंदा हूँ। अच्छा, मैं किसी की मजदूरी करता था। जी जी। तो उधर से पैसे लेके आ रहा था, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने राशन लेना है। ठीक पैसे है, पैसे गिर गए, इस बेचारे ने उठा लिए। मैं खुदा रसूल का वास्ता भी दे रहा हूँ, पैसे वापस करते हैं। जी जी। तो उसने तो मुझे धक्का दे के भगा दिया। अच्छा, आए आए, अभी उससे फैसला करते हैं। मेहरबानी बेटा, मैं आपके पैसे वापस करूँ। अरे हाँ भाई, तुम बताओ किसके पैसे हैं? बाबा जी तो कहे मेरे पैसे हैं। नहीं यार, ये मेरे अपने गिरे और मैंने उठाए, बाबा जी ने देखा और झूठ बोल रहे हैं मेरे। यार वो बुजुर्ग हैं, अब इतने बड़े उनके बुजुर्ग में वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? झूठ बोल रहा है, कब्बर में सितांगे और झूठ बोल रहा है। आप कह रहे हैं आपके पैसे? हाँ, मेरे अपने ही है। जी बेटा, ये पैसे मेरे हैं, मैं अभी मजदूरी करके आया हूँ। मेरा बेटा, पैसे मेरे हैं, आपसे कुछ होता है तो इससे पैसे मेरे वापस करवा दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ भाई, अब तुम बताओ, बाबा जी तो कह रहे हैं कि मेरे पैसे हैं, अब सच में बताओ किसके पैसे हैं? यार ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे अपने हैं, मुझे घर वालों ने जेब फंस दिया है इसको। अच्छा, ये तुम्हारे अपने हैं? हाँ, मेरे अपने ही हैं। चलो, बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे पैसे हैं, चलो ठीक है, मैं अब आप दोनों का फैसला करता हूँ। ठीक है जी बेटा। कैसे आप फैसला करेंगे? ये फैसला करें आप जल्दी। बाबा जी, ऐसा है कि मैं पुलिस को कॉल करने लगा हूँ और पुलिस अब यहाँ आके आप दोनों का फैसला कराएगी और जो चोर होगा उसे लेके जाएगी। ठीक है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। हेलो जी, पुलिस स्टेशन जी, आप यहाँ पे जल्दी आएँ और एक यहाँ पे चोर है, उसे पकड़ के जल्दी ले जाएं। हाँ जी, आप जल्दी आएँ, जल्दी आएँ। बाबा जी, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, अभी पुलिस से आपका फैसला कराते हैं। ठीक है भाई, अभी आपका फैसला हो जाता है। भाई, पुलिस को कॉल ना करें, मैं आपको सच बताता हूँ। अच्छा, क्या सच है बताओ भाई? भाई, ये पैसे बाबा जी के, ये मुझे मिले हैं। अच्छा, ये उसको वापस कर देते बाबा जी को। ये बाबा जी के पैसे हैं? बाबा जी ये लें, आपके पैसे हैं। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अजर दे इसका। कोई बात नहीं बाबा जी, अल्लाह आपको सलाम रखे। अगर ये आपके राशन के पैसे हैं, अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको देता हूँ और पैसे, आपको राशन ले लीजिए। नहीं बेटा, आपका ये बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। प्यारे भाई, मुझे पता था कि ये पैसे बाबा जी के हैं, लेकिन मैं पुलिस को मैंने फोन नहीं किया, आपसे झूठ बोला सिर्फ आपका मुँह से सच सुनने के लिए। वो पैसे बाबा जी के थे, मैं जानता था। ठीक है भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बाबा जी से माफ रखता हूँ। ठीक है, चलो बाबा जी से माफ मांगो। बाबा जी, जी बेटा, मैं करता हूँ आपसे, ये आपके पैसे थे, मैंने ऐसे आपसे झूठ बोला है। चलो बेटा, कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूँ, अल्लाह ताला आप पे राजी हो बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते तो खुदा रहा उनके हलाल रिस्क को भी ना खाएं और उनका माल ना लूटें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।